पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम मुरादाबाद निर्माण विभाग ठेकेदार एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा अधिशासी अभियंता के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा गया कि अधिशासी अभियंता की मिलीभगत के चलते अपने चहेते ठेकेदारों को 70 टेंडर सौंप दिए गए, वो भी बिना निविदा चस्पा किए। सभी ठेकेदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और ऐसे में ठेकेदारों को काम करना भी मुश्किल हो रहा है। कहा गया कि 70 टेंडर विभागीय दरों पर स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 5 मई 2018 को आमंत्रित 189 टेंडरों की दरें 31% कम तक आई हैं। आपके द्वारा ये गोपनीय टेंडर अपने चहेते 5-6 ठेकेदारों को देने के कारण नगर निगम को लगभग 30 लाख रुपये का नुकसान पहुँचाया गया है, जबकि गत माह टेंडरों के संबंध में मुख्य अभियंता के सामने हुई वार्ता में ये कहा गया था कि भविष्य में कोई भी गुप्त टेंडर नहीं निकाले जाएंगे। सभी ने मांग की है कि 24 घंटे के भीतर हमारे द्वारा जमा रजिस्ट्रेशन निवीकरण शुल्क वापस दिए जाएं, अन्यथा ठेकेदार एसोसिएशन आपके विरुद्ध कठोर अनैतिक निर्णय लेने को मजबूर होगी। ज्ञापन देने वालों में महेंद्र कुमार, सुरेंद्र सिंह, विनोद कुमार, रियासत हुसैन, कपिल कुमार, राजेश कुमार, संजय कुमार, किशन सिंह, विजय सिंह, सतीश कुमार, संजय सागर, सुदेश सागर, सत्येंद्र गुप्ता, सतीश कुमार के साथ और भी लोग मौजूद रहे। समस्या यही है कि हमारे सारी फाइलें तैयार रखी हुई और इन्होंने पैसा ले लेके दूसरों की फाइलें पास कर दी और हमारा काम सारा इसी पर हो रहा है। इसकी शिकायत आपने प्रशासन अधिकारियों से करी? अभी भी इनको शिकायत करने आ रहे हैं और हमारे और पार्षद भी इकट्ठे हो रहे हैं सर, और इसमें हमें ऐसा करने नहीं देंगे। ये ज्ञापन हमने आज नगर निगम में जो अधिशासी अभियंता शुक्ला जी हैं उन्होंने जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंचा दिया है उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। 70 टेंडर उन्होंने गोपनीय तरीके से 10% से अधिक रिश्वत लेते हुए अपने 5-6 चाहिए ठेकेदारों को दे दिए हैं, जबकि 19 तारीखों में 189 टेंडर आमंत्रित किए गए थे। उन टेंडरों में 30% दरें कम आई हैं। जब 19 तारीखों में 189 कामों की लिस्टें लगी थी तो उसी लिस्ट में इन कामों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया, ये जांच का विषय है। ये इन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को काम दिए हैं जिसमें नगर निगम को लगभग 30 लाख रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि इन अधिशासी अभियंता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वित्तीय निमित्ता के विरुद्ध इन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।